हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल। आप देख रहे हैं आईपीपीएस टेक। तो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस भी मैंने पोस्ट की हैं, उनमें भी कोडिंग डिकोडिंग ही चल रहा था, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सब टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 10-11 हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो टाइम ले रहा है। तो 4 से 5 वीडियो में कम्प्लीट होगा। तो इससे पहले भी मैं 3 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो जिसने कोडिंग डिकोडिंग नहीं अभी तक किया है अच्छे से, तो वो बेसिक्स क्लियर कर लें अपना पीछे मेरी पहले वाली वीडियोस में, और उनमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया ऑपोजिट लेटर कोडिंग और कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय दियर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स। एक और है जो मैंने लिखा नहीं है, जो है नंबर कोडिंग, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बट अभी जो लिखा है फिलहाल वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट लेटर कोडिंग। ऑपोजिट से आपको क्या समझ आ रहा है? एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक सीधा एक उल्टा, ये है ऑपोजिट होना। तो ऑपोजिट लेटर कोडिंग, अल्फ़ाबेट्स हमें हमारे जो दिए होते हैं ए टू जेड, ये सीक्वेंस 1 to 26 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा जनरल सीक्वेंस, जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जनरल काउंटिंग, ठीक है। तो ऑपोजिट लेटर कोडिंग में क्या होता है कि जनरल काउंटिंग जो होता है वो आपका वर्ड दिया होता है, ठीक है, और जो इसका कोड आपको निकालना होता है, जो फाइंड करना होता है, वो रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको दोनों काउंटिंग लिखी होनी चाहिए आपके अल्फ़ाबेट्स पे, ए टू जेड तक 1 to 26 जनरल काउंटिंग और 1 to 26 अप बैकवर्ड में आपकी होनी चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। तो अब देखिए होता क्या है इसमें, जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, ये आपका जनरल काउंटिंग है, ए बी सी डी एक नॉर्मल फ्लो है, ठीक है, सीधा फ्लो। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, तो उन्होंने कह दिया, इसका आंसर दिया है जैसे जेड टी एक्स और डब्लू। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए फर्स्ट लेटर है जनरल काउंटिंग में, ठीक है, और इधर से देखिए फर्स्ट लेटर कौन सा है, क्योंकि ये जनरल काउंटिंग का है और ये रिवर्स काउंटिंग है, ठीक है, ये फेज रिवर्स काउंटिंग है, ये जनरल काउंटिंग है। तो जनरल काउंटिंग में ए फर्स्ट लेटर है, और रिवर्स काउंटिंग में फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, सबसे लास्ट जो 26 होता है जनरल में, वो फर्स्ट होता है रिवर्स में, तो जेड हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए कि सॉरी यहाँ पर टी लिख दिया मैंने, ये वाई होगा, तो जेड वाई एक्स और डब्ल्यू। तो बी देखिए जनरल काउंटिंग में क्या होता है, सेकंड वर्ड होता है, देखिए ऊपर से सेकंड है, ठीक है, और उसी तरह वाई कौन सा है, पीछे से सेकंड है, सी आगे से थर्ड है और एक्स पीछे से थर्ड है, डी आगे से फोर्थ है और W पीछे से फोर्थ है, इस तरीके से होता है। तो A फर्स्ट लेटर से, B सेकंड लेटर से, C थर्ड लेटर से, D फोर्थ लेटर से। उसी तरह दूसरा केस होता है उसी तरह से, ठीक है। तो दूसरा केस, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस देखिए क्या हो रहा है कि A को इधर के फर्स्ट लेटर को इधर के फर्स्ट लेटर के साथ ही वो किया जा रहा है, हमें पता किया जा रहा है, इधर का सेकंड लेटर इधर के सेकंड लेटर के साथ जुड़ा है, थर्ड थर्ड के साथ और फोर्थ फोर्थ के साथ। और जब सेकंड केस होता है, सेकंड केस में क्या होता है, ए बी सी डी ये इधर का फेज है, ठीक है। जब इधर का फेज हम लिखेंगे, जैसे हमें आंसर दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो इधर का फेज देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए था, पीछे से फर्स्ट लेटर जेड है, आगे से सेकंड बी है, पीछे से सेकंड वाई है, बट यहाँ पर आगे से ए फर्स्ट लेटर है, तो डब्ल्यू तो आपका फर्स्ट लेटर पीछे से नहीं है, ठीक है, एक्स आपका फर्स्ट लेटर पीछे से नहीं है, वाई फर्स्ट लेटर पीछे से नहीं है, बट जेड पीछे से आपका फर्स्ट लेटर है। तो ये सेकंड फेज होता है, जब फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से कंपेयर होती है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ कंपेयर हुई, यहाँ फर्स्ट वैल्यू लास्ट के साथ कंपेयर हो रही है, अब ये सेकंड वाली वैल्यू सेकंड लास्ट के साथ कंपेयर होगी, पीछे से आगे से बी सेकंड है, पीछे से वाई सेकंड है,
आगे से सी थर्ड है, पीछे से एक्स थर्ड है, आगे से डी फोर्थ है, पीछे से डब्ल्यू फोर्थ है, ठीक है। तो ए का जेड के साथ, बी का वाई के साथ, सी का एक्स के साथ और डी का डब्ल्यू के साथ, ये रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दो तरह के केस होते हैं इसमें। तो अब इसकी एग्जांपल्स पे हम आते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप कि किस तरह के क्वेश्चन होता है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है नोशन, और हमें इसका कोड भी दिया हुआ है एम एल जी आर एल और एम, ठीक है, ये दिया हुआ उन्होंने, गिवन है ये, और हमसे पूछा गया है वेक्टर का कोड क्या होगा। तो आप बताइए वेक्टर का कोड क्या होगा। आपने देखा, देखिए इधर एन कौन सा लेटर है जनरल काउंटिंग में, एन जो है हमारा 14th लेटर है, 14th लेटर है। तो देखिए पीछे से 14th लेटर कौन सा आ रहा है, पीछे से जब आप 14th लेटर बजा रहे हैं तो एम आपका 14th आ रहा है, ठीक है, एम आपका 14th आ रहा है। ओ देखिए कौन सा है, 15th है आगे से, और पीछे से 15th कौन सा है आपका, 12th है, ओके ठीक है, सॉरी पीछे से 15th आपका कौन सा है, एल है, आगे से आपका टी कौन सा लेटर है, देखिए यहाँ पर टी आपका 20th लेटर है, 20th लेटर है, तो 20th लेटर पीछे से कौन सा है, ये जी, आगे से आई कौन सा लेटर है आपका, 9th लेटर है, तो पीछे से 9th लेटर आपका ढूंढिए कौन सा है, ये रहा आर आपका 9th लेटर है। ओ देखिए कौन सा लेटर है, ओ जो है वो आपका 15th लेटर है, उसी तरह एल भी पीछे से आपका 15th है, एन जो है आपका 14th लेटर है, उसी तरह पीछे से एम भी 14th है। अब आप देखिए वी कौन सा लेटर है, आगे से वी 22 है, यानी कि पीछे से जो 22 होगा वो आपका आंसर होगा, तो पीछे से 22 क्या है, ई, आगे से ई कौन सा है, आगे से ई कौन सा है, 5th नंबर पे, पीछे से 5th नंबर पे क्या है, वी, उसी से तरह सी 3rd नंबर है आपका, तो पीछे से 3rd आपका क्या है, एक्स, टी आपका कौन सा नंबर है, देखिए टी 20th नंबर है आगे से, और पीछे से आपका 20th नंबर कौन सा है, जी, उसी तरह आर, आर देखिए आपका 15th नंबर है, और पीछे से आपका 15th नंबर क्या है, एल, आर आपका ओ, सॉरी ओ 15th है, एल 15th होगा, उसी तरह आर, आर जो है आपका 18th नंबर है आगे से, और पीछे से 18th नंबर क्या होगा आपका, आई होगा, तो आपका ये जो है आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल दिख रहा हूं, सिंपल एच आर एम के ओ बी गिवन, ये सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए एच जो है कौन सा नंबर है आपका, 19th नंबर, आई कौन सा नंबर है आपका, आई जो है 9th नंबर है, एम कौन सा नंबर है आपका, 13th है, पी कौन सा नंबर है आपका, पी है 16th, ओके, एल कौन सा नंबर है आपका, एल है 12th, और ई आपका है 5th नंबर। तो देखिए पीछे से 19th नंबर कौन सा है, एच कितना नंबर है आपका, 19th नंबर है पीछे से, आर कितना नंबर है, 9th नंबर है पीछे से, और एन आपका 13th नंबर है पीछे से, के आपका 16th नंबर है पीछे से, देखिए यहाँ
ओ आपका 12th नंबर है पीछे से, और वी आपका 5th नंबर है पीछे से, ठीक है, ये दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है कि कॉमन का कोड क्या होगा, तो कॉमन का कोड आपको देखना है क्या होगा। तो कॉमन कौन सा है, सी कौन सा नंबर है आपका, 3 नंबर। ओ कौन सा नंबर है आपका, ओ आपका है 15 नंबर, 15th नंबर। एम आपका कौन सा नंबर है, एम आपका है 13th नंबर, ये भी 13th, ओ 15th, और एन जो है आपका 14th नंबर है, देख लीजिए। तो उसी हिसाब से आपको देखना है पीछे से तीसरा कौन है, एक्स, देखिए यहाँ पीछे से तीसरा एक्स है। अब पीछे से 15वां नंबर कौन है, एल, एल। पीछे से 13वां नंबर कौन है, एन, यहाँ पे भी एन, ओ की जगह यहाँ भी ओ है तो एल। और पीछे से 14वां नंबर कौन है, देखिए पीछे से 14वां नंबर एम है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला है कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय दियर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको कोड दिया हुआ होगा और आपको उस कोड का जो आंसर है ना, वो कोड का लेफ्ट और राइट साइड ये दोनों लेटर को लिख कर बनाना है। बताता हूँ कैसे। पिछले वाले एग्जाम सब टॉपिक में आपने देखा होगा कि ए बी सी डी जो दिया हुआ था वो फर्स्ट से फर्स्ट, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ, इस तरीके से हो रहा था। और फर्स्ट से लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट और फोर्थ फर्स्ट, ऐसे हो रहा था। तो ये यही दोनों तरीके इसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा आपको इसके एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि आप ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं इससे लास्ट वाले सब टॉपिक में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में चलते हैं कि ये वाले सब टॉपिक का यूज़ कैसे होता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए बैट दिया हुआ है तो इसका आंसर कैसे निकालना है, जैसा कि मैंने बोला कि कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय दियर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स। तो हमें जो लेटर दिया हुआ है इसका लेफ्ट और राइट वर्ड यानी कि लेटर हमें उठाना है और इसके साथ जोड़ के रख देना है और वो हमारा कोड हो जाएगा। तो बी से पहले क्या आता है बताइए, बी से पहले क्या आता है, बी से पहले आता है ए, ठीक है, और बी के बाद क्या आता है, सी। ए से पहले क्या आता है, जेड, और ए के बाद क्या आता है, बी। टी से पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद क्या आता है, देखिए यू। टी से पहले एस, टी के बाद यू, ठीक है। तो उसी तरह ये कोड बन गया, ए सी जेड बी एस एंड यू, ये जो है आपका आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, जैसे लिखा है सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एस से पहले क्या आता है, आर। एस के बाद में क्या आता है, टी। आई के पहले क्या आता है, एच। आई के बाद क्या आता है, जे। एक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू, और एक्स के बाद वाई। तो आंसर आपका होगा आर टी एच जे डब्ल्यू और वाई, समझ गए होंगे आप कि ये कैसे होता है, बहुत आसान है। उसी तरह ये वाला पैटर्न भी आपको फॉलो करना है, फर्स्ट से लास्ट में, सेकंड से सेकंड लास्ट में, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन बना देने, ये दो तरह से ही होते हैं और आसान होते हैं। अब मैं लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ जो है नंबर कोडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर कोडिंग पे अब हम आते हैं।
नंबर कोडिंग बोलने से ही पता चल रहा है कि ये नंबर से रिलेट होगा, ठीक है। हाँ तो ये नंबर से ही रिलेट है, जैसा कि मैंने बोला कि बोलने से पता चलता है कि नंबर से रिलेट होगा, तो हाँ ये नंबर से ही रिलेट है। इसमें आपको वर्ड दिए होंगे और उस वर्ड का हमने पर्टिकुलर जो बेस है काउंटिंग के हिसाब से, वो बेस के साथ आंसर निकालना है, कोड निकालना है, ठीक है, बेस को ऐड करके। तो होगा कैसे, देखिए एक एग्जांपल, जैसे पुट दिया हुआ है, ठीक है। तो पुट दिया हुआ है तो पी का आप देखिए कौन से नंबर पे है, पी जनरल कोडिंग में, जनरल सीक्वेंस में पी कौन से नंबर पे है, 16th नंबर पे है आपका पी, ठीक है। यू कौन से नंबर पे है, 21 नंबर पे, 21वें नंबर पे। और टी आपका कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका क्या बनता है, 16 प्लस 21 प्लस 20 20 20 20 40 और 10 50 प्लस 6 56 प्लस 1 57। ये तो ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि पुट को 57 लिखा हुआ है, पुट इक्वल टू 57, देन बैट इक्वल टू व्हाट। तो हमने जैसे ये पता लगाया उसी तरह हमने बैट का भी पता लगाना है। तो बी किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। ए कौन से नंबर पे है, हमारा फर्स्ट नंबर पे। और टी हमारा किस नंबर पर है, टी यहाँ पर 20 पे था, 20 हमने लिख दिया ऐसे ही। ओके स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, 2 + 1 + 20 इक्वल टू व्हाट, 20 22 23, दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है, और एग्जांपल करते हैं इसकी। दिया हुआ है इफ b इक्वल टू 2, यानी कि 2 पर है, ऑब्वियसली 2 पर है, और बैग इक्वल टू 10, यानी कि सेकंड नंबर पर b है, फर्स्ट नंबर पर a है, और सेवंथ नंबर पर 10 है। तो 2 + 1 + 7 = 10, 7 + 1 = 8 and 2 = 10 है। तो बॉक्स इक्वल टू व्हाट, तो बॉक्स इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू 2, ओ इक्वल टू 15 एंड एक्स इक्वल टू 24। तो व्हाट इज द आंसर, 2 + 15 + 24 24 26 10 36 and 5 41 is the answer. 41 is the answer. Okay students, एक और तरह से इसमें क्वेश्चन आता है, वो भी देख लीजिए। आपको दिया होगा ग्लोसरी और उसका कोड आपको दिया होगा 9 7 5 3 3 5 6 and 2, फिर दिया होगा 0 graphy, ये गिवेन है, ठीक है, 9 1 5 9 6 8 4 0 2, ये गिवेन है। और पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर जियोलॉजी, तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द कोड फॉर जियोलॉजी, जियोलॉजी के लिए कोड क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम बनाते हैं, तो जैसा हमने डायरेक्ट कोडिंग में किया था उसी तरीके से इसमें करना होता है। नंबर कोडिंग ही है, इसमें नंबर दिया हुआ है, बट डायरेक्ट कोडिंग की तरह ही ये क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने देखना है जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, जी के लिए हमें 9 दिया हुआ है, यहाँ भी जी के लिए हमें 9 दिया हुआ है, तो हमने जी के लिए 9 लिख दिया।
अब देखना है ई, तो ई हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए ई के लिए हमारे पास वन दिया हुआ है, तो हमने वन लिख दिया। ओ ढूंढिए, ओ के लिए फाइव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ओ के लिए फाइव हमें मिल गया, तो यहाँ पर फाइव लगा दिया, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ भी फाइव लगा दिया। अब एल के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, तो एल ढूंढिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो एल के लिए हमें सेवन मिला हुआ है, सेवन हमने लिख दिया यहाँ पर। जी के लिए हमें नाइन दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया। वाई देखिए कहाँ है, यहाँ है वाई, यहाँ है वाई। वाई के लिए टू है, वाई के लिए टू है, टू हमने वाई के लिए लिख दिया। तो जो जियोलॉजी है उसका कोड हमारा 9157592 है। दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही है, आपको जरूर समझ आया होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ आता रहे। सो बाकी मैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, मतलब जो सब टॉपिक्स इसके बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर डालूंगा मैं। कोडिंग डिकोडिंग के ही दो या तीन टॉपिक अभी और बचे हुए हैं, मेन मैट्रिक्स कोडिंग है, वो भी डालूंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट भी कीजिए, अगर कुछ आपको जानना है कमेंट में आप लिख के दे सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी भी जान पहचान वाले को, ताकि वो भी सीखें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड लक।